Welcome to the third session of Astronomy 101. Last time we were discussing the death of a star. We discussed the first possibility of the death of a star, of the stars that are the size of our sun. So हमने बात करी थी कि दो टाइप के स्टार्स होते हैं. एक होते हैं जो हमारे सन जैसे हों, मतलब छोटे से छोटे हों थोड़े से, और एक टाइप ऑफ स्टार होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं. नंदिका, इज देयर समथिंग यू वांट टू से? नो. दो टाइप के स्टार होते हैं. एक टाइप के स्टार होते हैं जो हमारे सन जैसे हो, मतलब थोड़े से छोटे येलो कलर के, और एक टाइप के स्टार होते हैं जो बहुत बड़े हो हमारे सन से. हमने ये भी डिस्कस करा था कि जैसे जैसे स्टार बड़ा हो जाता है उसका कलर ब्लू होता जाता है. तो जो स्टार बहुत बड़ा होगा वो स्टार बहुत हॉट भी होगा और उस स्टार का कलर ब्लू हो जाएगा. तो जितना ज्यादा स्टार हॉट हो जाएगा उतना स्टार का कलर ब्लू वाली रेंज की तरफ होता रहेगा. जो थोड़े से कम हॉट स्टार होते हैं उनका स्टार उनका कलर ऐसे रेड येलो की तरह होता है. जैसे हमने फिर ये डायग्राम देखा था, हमने कहा था कि इस वाले डायग्राम में मैं बड़ा कर देता हूँ. अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं. तो जो सबसे नीचे लाइन में जो छोटे छोटे स्टार्स हैं वो रेड कलर के होते हैं. इसमें आपको दो नाम दिखेंगे, एक हमारा सन जो थोड़ा सा ऊपर होगा और उसके नीचे प्रोक्सिमा सेंटोरी. हमने अभी बात करी थी कि हमारे से सेकंड नियर स्टार जो अर्थ के बाद सबसे सबसे नियर स्टार हमें तो सन होता है. सन के बाद जो अगला स्टार हमारे पास होता है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम का होता है. तो प्रोक्सिमा सेंटोरी आप देखोगे, आप सन देखोगे, ये दोनों छोटे स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं. सन का कलर देखो येलो की तरह होता है, आपको रोज दिखता है. प्रोक्सिमा सेंटोरी इस डायग्राम में लिखा है रेड कलर का होता है. तो वो थोड़े से कम हॉट स्टार्स होते हैं. जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, मतलब जो बहुत बड़े और ब्लू स्टार्स होते हैं, देखो यहाँ पे जो सन, ये यहाँ पे लिखा है 10 m सन, इसका मतलब है 10 टाइम्स द मास ऑफ सन. कि जो सन का मास है, सन जितना भारी है उससे 10 गुना ज्यादा भारी है, तो उसका मतलब है 10 m सन. तो इसमें देखो आप देखते रहोगे कि उनका कलर ब्लू होता जाता है. जो सबसे ऊपर उनका कलर बहुत ज्यादा ब्लू है, जो सबसे नीचे उनका कलर बहुत ज्यादा रेड है. तो ये हमें बताता है कि जो बहुत हॉट और बहुत बड़े स्टार्स होते हैं उनका कलर ब्लू हो जाता है, और जो बहुत छोटे स्टार्स होते हैं और वो थोड़े येलो रहते हैं और उनका टेम्परेचर भी कम होता है, गर्म कम होते हैं इसमें. और इसमें एक और बात नोटिस करने वाली है, जो स्टार जितना ज्यादा बड़ा हो जाता है ना वो उतना कम टाइम के लिए जीता है. इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि स्टार अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसको ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा रोज रोज जीने के लिए. फिर अगर वो रोज ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करेगा तो उसका फ्यूल जो है उसके पास वो जल्दी खत्म हो जाता है. जैसे अगर जो आप देखोगे इसमें लाइफ टाइम लिखी है, लाइफ टाइम लिखी है 10^7 इयर्स. सारे स्टार्स की लाइफ टाइम तो बहुत ज्यादा होती है, पर अगर हम उन सबको कंपेयर करें तो कुछ स्टार्स की तो बहुत ज्यादा होती है और कुछ स्टार्स की थोड़ी सी कम होती है उनसे. जैसे अगर आप देखोगे जो नीचे नीचे वाले स्टार्स है उनकी लाइफ टाइम लिखी है 10^11 इयर्स. 10^11 इयर्स का मतलब है 1 के आगे अगर आप 11 जीरोस लगा दोगे उतने साल तक के लिए वो स्टार्स जीते रहेंगे, राइट? तो ये लाइफ टाइम होती है. जैसे आप देखोगे जो ब्लू वाले स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है ना, उनका टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो वो मतलब बड़े स्टार्स हैं, तो बड़े स्टार्स का जो लाइफ टाइम है वो आपको दिखेगा कि कम होता है. ये ऑब्जर्वेशन है, पर इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया. इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जैसे ज्यादा बड़े स्टार्स होते हैं अपना फ्यूल थोड़ा जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा कम लाइफ टाइम जीते हैं, पर उनकी लाइफ टाइम जितनी ज्यादा छोटी होती है उतनी ज्यादा एक्साइटिंग भी होती है. वो ज्यादा ज्यादा बर्न करते हैं, ज्यादा ब्राइटली ग्लो करते हैं, तो हमें वो ज्यादा अच्छे से दिखते हैं, इसलिए मतलब वो थोड़ा सा जल्दी भी बर्न आउट हो जाते हैं और डेथ हो जाती है उनकी. तो हमने डिस्कस करा था कि जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं जो सन के बराबर या सन से छोटे स्टार्स होते हैं उनकी डेथ कैसे होती है. हमने बात करी थी कि वहां पे जो उनका फ्यूल होता है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल नाम होता है, वो आप बाद में जाके पढ़ोगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है. तो फिर वो जब खत्म हो जाता है तब फिर जब न्यूक्लियर फ्यूजन वाला फ्यूल खत्म हो जाता है तब फिर जो स्टार होता है वो उसकी मतलब उसका जो सारा फोर्स होता है वो सब खत्म हो जाता है और वो ऐसे नेब्यूला बन जाता है. बीच में एक रेड जाइंट वाली स्टेज भी आती है जिसमें स्टार बहुत बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद अपना सारा मटेरियल ऐसे इजेक्ट कर देता है. हमने नेब्यूला भी पढ़ा था कल, क्या मतलब आखिरी सेशन में नेब्यूला क्या होता है कि जैसे जहाँ पे स्टार्स बॉर्न होते हैं तो यही होता है. सन का सारा मटेरियल ऐसे डस्ट की तरह, जो भी जिससे भी सन बना है वो सारा ऐसे बिखर जाता है स्पेस में, और वो ऐसे ही हमारे सन की भी डेथ होगी. पर फिर हमने सोचा कि जो स्टार्स बहुत बड़े हैं सन से उनके साथ क्या होगा. उनके साथ एक स्पेशल चीज होती है, वो उनका भी जैसे जैसे फ्यूल खत्म होने लगता है ना तो उनका ना एक नया टाइप का, उनका जो फ्यूल खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है कि अब मैं आपको फ्यूल समझा नहीं पाऊंगा. फ्यूल न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, तो उसमें वो छोटे छोटे एलिमेंट्स कंबाइन करते रहते हैं, बड़े बड़े एलिमेंट्स बनाते रहते हैं. तो धीरे धीरे करके अब जो स्टार होता है बड़ा वाला
उसमें वो फ्यूल और ज्यादा देर तक के लिए बनता रहता है। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो ना फ्यूल एकदम से खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम पे लेके जाता हूँ जो हमने करा था, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला डायग्राम देखो करा था। जो बड़े स्टार्स में क्या होता है, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ, बड़े स्टार्स में ना ये होता है कि जैसे अगर आप ये डायग्राम देखोगे, इसमें दो तरीके से, अगर जैसे ये स्टार का सरफेस, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है जो उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, जो अंदर का स्टार का फ्यूल बना रहा है, और एक फोर्स इसे अंदर खींच रहा है जो ग्रेविटी है। हमने कहा था ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो ग्रेविटी स्टार को अंदर खींच रही है और जो स्टार का अपना फ्यूल है वो स्टार को बाहर धक्का दे रहा है। तो इससे स्टार एक मतलब स्टार पे कोई मतलब स्टार इक्विलिब्रियम में रहता है, स्टार स्टेशनरी रहता है, जीते रहता है। अब देखो, जैसे ही अगर मैंने एकदम से फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, अगर मैंने अंदर वाला फोर्स एकदम से हटा दिया तो जो ग्रेविटी वाला फोर्स है सिर्फ वही रह जाएगा और वो एकदम से स्टार ऐसे अंदर गिर जाएगा। समझ रहे हो, जैसे कि अगर वो एक स्टार है उसमें अंदर एक ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है और एक बाहर भी फोर्स लग रहा है, तो स्टार स्टेशनरी है, वो कुछ नहीं हो रहा स्टार के साथ। तो फिर जैसे ही अगर मैंने अंदर वाला फोर्स हटा दिया, अंदर वाला फोर्स समझो गायब हो गया, तो फिर वो स्टार का सरफेस एकदम से क्रैश कर जाएगा अंदर, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी अंदर खींच रही होगी उसे, कोई रोकेगा नहीं ग्रेविटी को। तो ऐसे एकदम से वो स्टार ऐसे नीचे गिर जाएगा और फिर एकदम से क्या होगा, वो स्टार से जब नीचे गिरेगा तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब ऐसे जैसे पटाखा फूटता है ना, मतलब उससे बहुत ज्यादा बड़ा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। उस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा, आपको ये नाम पता होना चाहिए, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं उसे। मतलब जैसे ही वो स्टार ऐसे अंदर ऐसे कोलैप्स करता है, बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हो जाता है सुपरनोवा। वो एक्सप्लोजन बहुत ब्राइट होता है, बहुत ब्राइट। अगर जैसे आप कभी, मतलब हमें तो दिखता नहीं है, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो अपने टेलीस्कोप से देखते हैं, तो उन्हें टेलीस्कोप से जो एक्सप्लोजन दिखता है वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत ब्राइट। अगर जैसे हमारे को कभी सुपरनोवा हमारे आसपास कभी, कौन बोल रहा है, अर्नव, इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक यू माइट हैव एन इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। राइट अर्नव, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई एम नॉट एबल टू हियर यू, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल। सो मैं बता रहा था, हाँ, सुपरनोवा। तो जैसे ही वो स्टार का सरफेस अपने अंदर कोलैप्स करता है, एक एक्सप्लोजन हो जाता है, और उस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा। तो फिर ये बड़े स्टार्स की डेथ होती है, जिसे अब हमें जो डिस्कस करना है वो होता है कि सुपरनोवा हो गया, अब उसके बाद क्या होगा। जैसे ही वो सुपरनोवा होता है तो एक्सप्लोजन के बाद जो बचा हुआ स्टार होता है उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, उस स्टार के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि वो न्यूट्रॉन स्टार बना दे, और एक होता है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमें ब्लैक होल डिस्कस करना है आज, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा। न्यूट्रॉन स्टार थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए आपको एटम पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी हम ब्लैक होल वाला केस डिस्कस करेंगे। तो अगर एक स्टार जो इनिशियली बहुत बड़ा होता है, जब वो डेथ मतलब जब उसकी मतलब डेथ होती है, तब जैसे सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा के बाद जो बचा हुआ स्टार होता है ना, जैसे एक्सप्लोजन हुआ, कुछ तो अंदर हुआ था ना, एक्सप्लोजन हुआ, थोड़ा सा जो स्टार बच जाता है वो एक ब्लैक होल बना देता है। अब हमें आज डिस्कस करना है कि ब्लैक होल क्या होता है। तो आपके पास जब ये नोट्स आएंगे, आपको ये डिपिक्शंस भी मिलेंगी कि क्या क्या हो सकता है। ये मैंने सारा ऐसे फोटोज में ढूंढ रखी है मैंने, आपके पास आ जाएंगी जब सेशन हमारे खत्म हो जाएंगे, ये मैं मतलब आपको नोट्स भेज दूंगा। अभी हमें आज डिस्कस करना है कि ब्लैक होल क्या होता है। तो हमने अभी डिस्कस करा कि जैसे वो स्टार मर जाता है, वो एक छोटा सा पॉइंट में कोलैप्स कर जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेन है और बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब यूनिवर्स में सबसे खतरनाक कोई चीज होगी ना, तो वो ब्लैक होल है हमारा, है ना। कि कोई भी आप मतलब कितनी भी लड़ाई कर लो, किसी को किसी भी चीज से डर लगता है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ब्लैक होल होती है। और मेरे को ब्लैक होल बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, आपको भी लगेंगे। तो ब्लैक होल क्या होता है कि ब्लैक होल की प्रॉपर्टी होती है जो उसे डिफाइन करती है। सर, ब्लैक होल कैन आल्सो मींस व्हेन इट स्टार्ट्स ईटिंग द means it sucks everything inside its body and then it becomes bigger in size. Yes sir, now we haven't reached that part yet. अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि what is a black hole. So alright, so मतलब black hole क्या होता है? Black hole ना एक बहुत छोटा सा point होता है। So what is the property? What is what? How do we define black hole? जैसे हमने कहा star क्या होता है? Star एक बहुत बड़ा mass होता है, अपनी light और heat emit करता है। हम जो रात को देखते हैं वो stars होते हैं। अब मैं को अगर आपको बताने कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल होता है सर, यस सर, ब्लैक होल कैन आल्सो मींस इट कैन आल्सो सक द अर्थ। नहीं यार, अभी हमारे यहाँ पे कोई ब्लैक होल है ही नहीं, कैसे सक करेगा। ऑलराइट अर्नव, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, आई विल आस्क फॉर डाउट्स इन द एंड, मतलब आफ्टर आई स्टॉप
टीचिंग यू अबाउट ब्लैक होल्स. सो हम कह रहे थे कि ब्लैक होल क्या होता है. ब्लैक होल हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ब्लैक होल का मतलब है बहुत सारा मास, मतलब जैसे कितना सारा आप मास इमेजिन कर सकते हो. सोचो कि जैसे अगर मेरे को आपको बताना है कि ब्लैक होल क्या होता है, आप सोचो कि हमारी पूरी अर्थ है. अब अर्थ पे इतने सारे लोग हैं, अर्थ का अपना इतना बड़ा मास है, उसपे पत्थर हैं, बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ हैं. सोचो कितना सारा मास होगा अर्थ का, कितनी भारी होगी अगर आप कभी अर्थ को मेजर करने की कोशिश करोगे. इतना इतने बड़े बड़े ओशंस हैं वहां पे, इतना सारा पानी है, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, माउंट एवरेस्ट है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने सारे लोग रहते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. सोचो अर्थ का मास कितना ज्यादा होगा, है ना. और अभी तो अर्थ के नीचे हमने देखा नहीं, अर्थ के नीचे कोर भी होता है, हमारे नीचे जमीन है, वो जमीन इतने किलोमीटर तक जाती रहती है. तो अर्थ का मास सोचो कितना बड़ा होगा अगर अर्थ को कभी ब्लैक होल बनना होगा. मतलब मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ब्लैक होल की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, मतलब ब्लैक होल कितना ज्यादा वियर्ड और अजीब होता है. तो अगर अर्थ कभी ब्लैक होल बनेगी ना, सोचो पूरा अर्थ का मास, जो भी इतनी बड़ी अर्थ है हमारी, वो सारी सिर्फ एक इतने छोटे से अगर आपने कभी मूंगफली खाई होगी, पीनट साइज के शेप में पूरी अर्थ आ जाएगी. सोच के देखो, पूरी अर्थ, उसका सारा मास, इतने सारे लोग, इतना सब कुछ, वो सब कुछ मिला के सिर्फ इतनी सी जगह में आ जाएगा. अगर आपको देखो इतनी सी जगह में, इतने इतने ज्यादा डेंसिटी होती है ब्लैक होल की, कि अगर आप पूरी अर्थ को भी लोगे ना, तो वो सिर्फ ब्लैक होल इतना सा बनेगा, इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है. अब हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी, ग्रेविटी का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है. इसमें ग्रेविटी का मतलब होता है कि ग्रेविटी जैसे कैसे कैसे बढ़ती है. अगर आप बहुत बड़ा मास ले लो तो ग्रेविटी बढ़ जाती है ना. और या फिर अगर आप उस ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज हो जाओ तो भी ग्रेविटी बढ़ जाती है. ये ग्रेविटी की दो प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने पढ़ा हो, कि ग्रेविटी डिस्टेंस के इनवर्स में होती है और मतलब मास के डायरेक्ट रेशियो में होती है. तो ग्रेविटी अगर जैसे अगर आप ब्लैक होल के पास आ गए, तो फिर आप पे एक बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है. ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उसे एस्केप नहीं कर सकती. सोचो लाइट जो सबसे फास्टेस्ट चीज है यूनिवर्स की, वो भी ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकती. इसलिए ब्लैक होल हमें बहुत खतरनाक लगते हैं. तो ब्लैक होल तीन टाइप के होते हैं. एक होते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, एक होते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, और एक होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. राइट. सो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं छोटे वाले ब्लैक होल्स. जो सबसे छोटे ब्लैक होल्स होते हैं उनको हम स्टेलर वाली कैटेगरी में डालते हैं, है ना. तो जो ब्लैक होल होंगे जिनका मास समझो 10 टाइम्स द मास ऑफ द सन से 100 टाइम्स द मास ऑफ द सन, मतलब जो सन से 10 गुना से 100 गुना भारी है, उनको हम स्टेलर वाली कैटेगरी में डालते हैं. जो सन से 100 से लेकर 1,000,000 टाइम्स तक भारी है, उनको हम इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में डालते हैं. जो 1,000,000 टाइम्स सन से भी भारी है, उनको हम सुपर मैसिव वाली कैटेगरी में डालते हैं. तो जो हर बड़ी गैलेक्सी होती है ना, जो जैसे बहुत बड़ी कोई गैलेक्सी होती है, तो उसके सेंटर पे जो ब्लैक होल होता है, उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल, मतलब उन सबके सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है. तो जैसे जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, बड़ी गैलेक्सी है काफी, तो उसका जो सेंटर होगा ना, जो बिल्कुल मिल्की वे का बीच होगा, उसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा. से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर मैंने ये फोटो ले ली, एक सेकंड, अगर जैसे मैं जस्ट अ सेकंड, तो जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर ये गैलेक्सी की फोटो है, है ना सर, कैन यू टेल इन अर्नव, यू आर नॉट ऑडिबल, कुड यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Can you speak in English? Oh, okay. I'll speak in both. I thought others were more comfortable in Hindi. I'll explain in both the languages. So what I'm trying to say here is that every big galaxy has a supermassive black hole at its center. So we defined a term called as supermassive black holes. So every huge galaxy has a supermassive black hole at its center. So this galaxy, if you look at the center of this galaxy, if I try to annotate as well, yeah, if you look at the center of this galaxy, just a second, all right, if you look at the center of this galaxy, this is the place that I am trying to tell you about. So this is the center of the galaxy. So what I'm trying to say is that at center of every huge galaxy, Arnav, it would be great if you could also switch on your video. All right. So at the center of every huge galaxy, there's a supermassive black hole. All right. So main kehna chah raha hu ki ek har badi galaxy ke center pe ek supermassive black hole hota hai. Supermassive black hole kya define bataya humne? Supermassive black hole wo cheez hai jiska mass 1,000,000 sun se bhi zyada hai. मतलब 10,00,000 सन से ज्यादा मास है एक ब्लैक होल का. तो
उसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल नाम दे रहे हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जो ऐसा ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है ना। तो ऐसे हर बड़ी गैलेक्सी होगी, जैसे हमारे साथ वाली गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसके सेंटर पे भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा। द नेक्स्ट गैलेक्सी, ऑल द नेबर गैलेक्सीज, ऑन ऑल बिग गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स आर ऑब्जर्व्ड टू हैविंग और ऑब्जर्व्ड टू बी हैविंग अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर, एट देयर सेंटर। राइट, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। जस्ट अ सेकंड, वी वर एट we were discussing black holes. Sir, very dangerous. Means black holes are very dangerous. That's what I started my discussion with. They can suck. Means sir, if their light falls on something which is very far also, it will suck it. Black holes don't have light. Sir, they have, sir. No. Which no. If there is the star, means a star can do it. No, black holes don't have light, Atna. If light tries to escape a black hole, light cannot escape a black hole. So black holes aren't visible to us. If light falls on a black hole, how do we see things? There's a phenomena to seeing things. Like how am I trying to see? How can I see my laptop? How can I see the view outside? How do I see things? So the phenomena behind visualizing things, seeing things, is reflection. So the things in front of my eyes reflects the light of the sun, and that light comes into my eyes. So I can see the laptop, I can see my study table, I can see you all. All right. So your light is coming into my eyes. So to see a black hole, the light should reflect a black hole and come into my eyes. But if a light falls on a black hole will suck the light in. So I cannot see a black hole. Black holes aren't visible. That's a crazy property of black holes. So you'll just be wandering around in space, and you'll be sucked inside a black hole and you'll not know it. So black holes aren't visible. The surroundings of a black hole might be visible. For example, if I try to show you a link, like just a second. Sir, can black hole suck the aeroplane? Black holes can suck anything. If they can suck stars, what are aeroplanes? See, is the video visible to you? Yes, sir, it's coming. Yeah, so this is a video depicting how it would look inside, how it would look around a black hole. So this video, I showed you this video to give you a representation of the surroundings of a black hole. All right. So what is it? How is it near a black hole? So you can see, I told you that a black hole is invisible, but you can see that the surroundings are of a black hole are widely visible. These are due to the stars that are going inside the black hole. So I told you all that black holes are a region of high density, high gravity. Unki gravity bahut strong hai. So black holes kya karte hain? Black holes stars ko khate hain. To khane se mera matlab hai wo stars unke andar chale jate hain. Isliye black holes bahut crazy hote hain. Matlab jaise agar aap samjho ki main black holes discuss kar raha tha, hai na? To black holes humne define kare the. Sir. Arnav, Arnav, let me interrupt. If the black hole becomes very, very big, then it will also, means it will explode. It will not explode, Arnav. I'll answer all your doubts after I end my discussion. Kindly wait until the end, please. All right, so it disrupts the flow. All right, so I was discussing supermassive black holes. So humne category mein classify kar liye supermassive black holes. Fir uske baad hume karna tha ki black holes एक्चुअली क्या करते हैं। सो मतलब ब्लैक होल, अगर जैसे आप ब्लैक होल के पास जाओगे तो क्या होगा, है ना? तो ब्लैक होल की क्या प्रॉपर्टी होती है? उनकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने का एक ही मतलब है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से लोग चीजों को खींचते हैं अपनी तरफ। ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इफ आई एम सेइंग दैट अ ब्लैक होल हैज अ हाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट मींस आई एम ट्राइंग टू इंप्लाई दैट अ ब्लैक होल कैन पुल ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट एट अ वेरी ग्रेट फोर्स। सो
इफ देयर इज अ स्टार नियर अ ब्लैक होल, सो टेक्निकली दिस ब्लैक होल वुड पुल द स्टार टुवर्ड्स इटसेल्फ. Nandika, is there any other doubt? So what is the light passing from the center of the black hole? All right. I'll explain that. So the light at the center of the black hole are called as relativistic jets. So this photo is, I think, not clear enough to show you what relativistic jets are. Yeah, this is a better photo. I'll share a new screen. Yeah. So, is my other screen visible, Nandika? Yes, sir. Yeah. If you look at this photo, this is the photo that I'm talking about. This one. So you'll see. You're asking about these jets, right? Yes, sir. Yeah. Yeah. So these are actually not escaping from the black hole. These are escaping from the surroundings of a black hole. As we discussed earlier, nothing can escape from a black hole. So, matlab. It's not possible to say that they're escaping from the black hole. So these jets are called as relativistic jets. These are actually escaping from the surroundings of a black hole. So they're close to a black hole, but they have such high speeds close to the speed of light that they can escape the black hole. So main define karne ja raha tha term event horizon, aur jo maine aapko kaha tha ki black hole se light pass nahi kar sakti, light leave nahi kar sakti, wo ek point ke baad hota hai, so hum kehte hain event horizon. So if you look at this picture, I'll better answer your doubt after I discuss event horizons. So if you look at the picture next to it, you'll see a black hole. So you'll see a very black region inside it. So a black hole is huge, but the region, this region that is completely black, you can't see past it. This line which I am trying to make a circle about is called as an event horizon. Event horizon is the point of no return. Agar aap ek bar event horizon ko cross kar gaye, to fir aap wapas nahi aa sakte. Kyunki wahan se wapas aane ke liye jo aapko speed chahiye hogi, wo light ki speed se bhi zyada hai. हमारे यूनिवर्स में आप लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना? तो अगर आपको उस बाउंड्री से वापस आना है, जैसे एक बार आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर दिया, तो फिर आप मतलब चले गए, फिर तो आप ब्लैक होल के अंदर चले जाओगे, फिर आपके साथ जो होता है वो हमें पता नहीं है, है ना? तो अगर आपने एक बार इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया, तो फिर तो आप हमें वापस नहीं मिल पाओगे. तो उस पॉइंट को कहते हैं इवेंट होराइजन. तो लाइट, जस्ट अ सेकंड, I'm really sorry about that. I'll share my screen again. Yeah, we were discussing event horizons. So I told you that event horizon is a point of no return. So if you cross the event horizon, your history. अगर आप एक बार event horizon के उस तरफ चले गए, तो आप हमसे कभी वापस नहीं मिल पाओगे. कि हमें पता नहीं फिर आपके साथ क्या होगा. तो अभी तक यही है कि आप अंदर जाके आप मिल जाते हो ब्लैक होल से, फिर आपकी डेथ हो जाती है. तो इवेंट होराइजन एक लास्ट पॉइंट है जहां से लाइट वापस आ सकती है. तो अगर लाइट इवेंट होराइजन से थोड़ा सा पहले है ना, तो वो अपनी स्पीड से वापस आ जाएगी. तो रिलेटिविस्टिक जेट्स का क्या होता है कि अगर मेरे कहने का ये मतलब था, सारे इस डिस्कशन का ये सेंस था कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर नहीं गए अभी तक, थोड़ा सा बाहर हो ब्लैक होल से, और आपके पास फिर अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो आप वापस आ सकते हो. तो अब इस रिलेटिविस्टिक जेट का क्या मतलब होता है? अब जैसे अगर आप ब्लैक होल्स के बहुत पास आ गए, तो वहां पे क्या होता है कि ब्लैक होल जैसे रोटेट कर रहे होते हैं. अभी आप समझ नहीं पाओगे क्या होता है, पर Nandika, आई थिंक यू माइट हैव अटेंडेड माय अदर ब्लैक होल्स वेबिनार एज वेल. तो ब्लैक होल्स आर एक्चुअली रोटेटिंग. हमने रोटेटिंग ब्लैक होल्स डिस्कस कर रहे थे वहां पे. तो ब्लैक होल्स ना एक्चुअली रोटेट कर रहे होते हैं. हम अभी जो हमारे डिस्कशन कर रहे हैं वो होती है स्टेशनरी ब्लैक होल्स के लिए. तो ब्लैक होल्स जो असली में होते हैं ना, वैसे रोटेट कर रहे होते हैं, और बहुत तेज रोटेट करते हैं. मतलब एक सेकंड में वो लोग मिलियन बार घूम जाएंगे. सो कितनी तेज रोटेशन होगी. सो दे कैन रोटेट अबाउट मिलियन टाइम्स, मतलब रोटेट अबाउट देयर एक्सिस मिलियन टाइम्स पर सेकंड. सो एज दे हैव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ, मतलब ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी, सो वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स वहां पे होते हैं, जो आपको लाइट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो ना क्या करते हैं, वो ना ब्लैक होल की रोटेशन वाली एनर्जी चुरा लेते हैं, है ना? तो अगर उन्होंने वो एनर्जी चुरा ली, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वैसे एस्केप कर जाते हैं. जो ब्लैक होल के आसपास डस्ट होगा, मैटर होगा, जैसे स्टार गिर रहा है ब्लैक होल में, a star is falling into a black hole, और उसको मतलब सब स्टार ब्लैक होल के आगे गिरता है. जैसे देखो ये स्टार ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, तो इसका जो मटेरियल है वो सारा ऐसे ऐसे पिघलता जा रहा है, ऐसे डस्ट में फॉर्म होता जा रहा है, और इसके अंदर घुस जा रहा है ना?
तो जैसे ही वो स्टार, मैं आपको अगर विजुअल से भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो वो जो डस्ट आसपास होती है ना ब्लैक होल के, जो भी हमने दूसरे वाले उसमें भी देखी थी कि ब्लैक होल के आसपास बहुत ब्राइट था, बहुत सारा मिट्टी थी, बहुत कुछ था, मतलब पत्थर ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या करते हैं, वो जो मैटर होता है ब्लैक होल के आसपास, वो ब्लैक होल की रोटेशन वाली एनर्जी थोड़ी सी चुरा लेता है और फिर उसको उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है और फिर वो एस्केप कर जाता है। तो ऐसा फिजिक्स में फिनोमेना होता है कि वो रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, तो वो अपनी थोड़ा सा कोई मास वहां पे छोड़ देगा और वो थोड़ी सी एनर्जी उसकी ले लेगा। इट्स कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन इन फिजिक्स, यू विल स्टडी इट मतलब इन हायर क्लासेस। सो दैट मैटर टेक्स एनर्जी फ्रॉम द ब्लैक होल एंड इट एस्केप्स, मतलब ब्लैक होल्स आर रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, दैट मीन्स दे मस्ट हैव अ वेरी हाई रोटेशनल एनर्जी। सो वो थोड़ा सा पार्टिकल उसकी एनर्जी थोड़ी सी ले लेता है और वो एस्केप कर जाता है। सो दीज आर रिलेटिविस्टिक जेट्स, मतलब एस्ट्रोफिजिकल जेट्स भी कहते हैं इन्हें। तो ये इनका सिग्निफिकेंस अभी तक जो साइंटिस्ट को समझ में आया कि यही होता है कि वो मैटर ब्लैक होल की एनर्जी लेके आ जाता है। सो इस पिक्चर में ऐसा लग सकता है कि वो ब्लैक होल के अंदर से जेट आ रहा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लैक होल से बाहर कुछ नहीं निकलता, सिर्फ एक वो हॉकिंग रेडिएशन अलग चीज होती है, वो थोड़ी सी मतलब बहुत एडवांस चीज है वो। तो इसमें इसमें वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं आ रहा एक्चुअली, वो ब्लैक होल की सराउंडिंग्स में से, ब्लैक होल की अभी मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में एक थोड़ी पिक्चर दिखा दूंगा, वो बेटर एक्सप्लेन करेगी आपको रिलेटिविस्टिक जेट कैसे होते हैं वो। और इसमें ये बात भी देखने वाली है कि अभी हम जितनी भी फोटोज देख रहे हैं, इसमें हमें दिख रहा है कि ब्लैक होल एक सर्कल है ना, जैसे सामने आपके पास दो फोटोज में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा ब्लैक होल, एक्चुअली में क्या होता है, ब्लैक होल इज अ स्फीयर। बिकॉज इफ यू ट्राई टू इमेजिन, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अभी हम सब कुछ बात 2D में कर रहे हैं, अब हमें एक प्लेन ऑफ द पेपर पता है, पर असली दुनिया 3D में होती है ना, कि हमारे पास ये, मेरे पास ये जैसे नोट पैड है, मेरे पास स्पीकर है, तो ये सब 3D में है, 3D चीजें हैं। तो एक सर्कल 3D में क्या होता है, एक सर्कल सो 3D में सर दैट इज लाइक अ मींस इट्स लाइक अ फुटबॉल एंड मींस व्हेन यू सी द फुटबॉल फ्रॉम अप इट जस्ट लुक्स लाइक अ जस्ट अ सर्कल बट एक्चुअली इट्स अ स्फीयर व्हिच इज क्रिकेट एंड दैट इज द ब्लैक होल इज Yeah, Arnav correctly described it. It's actually a sphere. So he took the example of a football. So if you try to see a football from above it, you'll see a circle. But it actually is a sphere. So हम क्योंकि उन्हें describe कर रहे हैं two dimensional में, तो हम उन्हें circle बना रहे हैं, पर असली में, असली universe में black holes एक sphere की तरह होते हैं, तो they're like मतलब very dense, very destructive footballs. All right. So that was our discussion about what black holes are. अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ब्लैक होल के आसपास जाएं तो क्या होगा, कि अर्नव कीप योर माइक म्यूटेड प्लीज, या ऑलराइट। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ वी गो नियर अ ब्लैक होल, ऑलराइट। सो मतलब ब्लैक होल के सराउंडिंग्स में क्या होगा, सो आई डिस्कस इट विद यू। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे दो लोग हमारे यहाँ से नंदिका एंड हरमन गो नियर अ ब्लैक होल, सो दे आर इन अ टीम। Actually, what, you know what, all three of you go near a black hole. All right. So, Nandika, Arnav and Harman are in a team. Sir, I don't want to go near a black hole. Okay. Harman, Arnav stays back with me on Earth and we monitor you all on a mission. So, Nandika and Harman go near a black hole. Let's take a huge black hole. Because if you go near a small black hole, you will be made into noodles. We'll discuss it afterwards. Okay, chalo pehle na. हम किसी और को भेज देते हैं, हमने कहा कि समझो कोई एक और दूसरा बंदा है, एस्ट्रोनॉट नाम देते हैं उसका, और हमने उसे छोटे वाले ब्लैक होल भेज दिया। हमने डिस्कस करा था देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स, स्टेलर, इंटरमीडिएट एंड सुपर मैसिव। सो इफ वी सेंड एन एस्ट्रोनॉट नियर अ स्टेलर ब्लैक होल, सो स्टेलर ब्लैक होल्स हैव ह्यूज स्पगेटिफिकेशन इफेक्ट्स। व्हाट इज स्पगेटिफिकेशन? सो स्पगेटिफिकेशन इज द मतलब इज कॉल्ड एज अ नूडल इफेक्ट। सो दैट एस्ट्रोनॉट विल बी स्ट्रेस्ड इनटू नूडल्स because of the black hole's strong force of gravity. So, वो बंदा ऐसे मैगी में बन जाएगा, लिटरली, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि उस बंदे की मैगी बन जाएगी। जैसे अगर आप उस ब्लैक होल के पास चले जाएगा वो, तो इतने छोटे छोटे जैसे उस as we eat maggi like our food, it is the astronaut like maggi. Yeah, that astronaut would be stretched. मतलब वो ऐसे ऐसे खिसते चले जाएगा, खिसते चले जाएगा, खिसते चले जाएगा, उसके ऐसे मतलब सही में नूडल्स बन जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी अपने उसके लिए हम चुन रहे हैं एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, उसकी ग्रेविटी का जो चेंज होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो आप लोगों की मैगी नहीं बनेगी नंदिका और हरमन। तो हम एक बड़े ब्लैक होल के आसपास जाते हैं, तो हमने नंदिका और हरमन को भेजा। अब क्या होगा नंदिका हरमन के आसपास? सबसे पहला इफेक्ट जो उनको होगा उसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। तो नंदिका और हरमन के लिए टाइम अलग चलेगा, तो जैसे नंदिका और हरमन जैसे कल को वापस आए, तो उनके लिए समझो 10 साल निकल जाएंगे,
राइट सो टाइम डायरेक्शन इफेक्ट होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, आपको बाद में उसका डेरिवेशन वगैरह सब कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हरमन ब्लैक होल में गई एक दिन, ब्लैक होल के आगे से घूम के वापस आ गई, तो वहां पे क्या होगा, टाइम वुड पास स्लोली फॉर हरमन। सो हमारे लिए ओनली अ डे विल पास फॉर अस, बट फॉर हरमन 10 इयर्स माइट हैव पास्ड। राइट सो दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग टाइम डायलेशन इज। सो दैट इज प्रैक्टिकल टाइम ट्रैवल। मतलब जैसे समझो अर्णव को टाइम ट्रैवल करना था, सो अर्णव, अच्छा अर्णव तो ब्लैक होल के आगे जाएगा नहीं, चलो चलो से नंदिका को ट्रैवल करना था, नंदिका को टाइम ट्रैवल करना है, नंदिका को फ्यूचर में जाना है। सर आई विल नेवर डू टाइम ट्रैवल। अच्छा यू वोंट डू टाइम ट्रैवल, बट इट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो व्हाई यू वोंट। ऑलराइट सो से नंदिका वांट्स टू ट्रैवल 10 इयर्स इनटू द फ्यूचर, सो नंदिका चूजेस अ बिग ब्लैक होल। Nandika says that I'll go near a black hole, I'll stay there for a few hours and then I'll come back. All right. So Nandika chooses a big black hole and Nandika goes near it and she stays there for a while. So what would happen? As Nandika is near a black hole, time would pass slowly for Nandika as compared to us back on Earth. So Nandika ke liye only a few hours will pass. All right. So Nandika ko lagega ki sirf thode se ghante ja rahe hain, par hamare yahan Earth pe aise bahut sare saal nikal jayenge. So jab Nandika wapas aayegi wo future mein hogi. Se hum sir. Yes, sir. Sir, now I'm ready to do the time travel. I'll go see all the dinosaurs, explore the dinosaur world, and come. Arnav, there's a catch. I told you time travel to the future. Nandika wants to time travel to the future. I never said the past. Time travel to the past is really difficult. It explores another mechanism of black holes, which we can't discuss right now due to rotation of them. So, मैं कहना चाह रहा हूँ कि time differently pass कर रहा है। वो time travel actually नहीं है। नंदिका कोई time machine लेके एकदम से नहीं जा रही future में। वो kind of a time travel है कि time लोगों के लिए differently pass कर रहा है। इसमें आप past में नहीं आ सकते, क्योंकि past में आने के लिए फिर आपको पीछे ही आना पड़ेगा time में। वो अलग चीज से होता है। वो इस पॉसिबल में आप इसमें डायनासोर देखने नहीं जा सकते। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप 100 साल फ्यूचर में जा सकते हो, पर कैच ये है कि यू कांट कम बैक। ऑलराइट, यू कांट कम बैक और गो इनटू द पास्ट, दैट्स द कैच हियर। सो यू कैन ओनली ट्रैवल इनटू द फ्यूचर इफ यू मतलब गो नियर अ ब्लैक होल। ऑलराइट सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल थिंग्स अबाउट अ ब्लैक होल्स। व्हाट लास्ट पार्ट अबाउट, मतलब लास्ट नॉलेजेबल पार्ट अबाउट हाउ ब्लैक होल्स डाई, मतलब देयर वर स्टिल डायनासोर्स कैन बी अलाइव, देयर आर चांसेस एट 2050। हाउ कैन डायनासोर्स बी अलाइव अर्णव, इट्स लाइक देयर वर ह्यूज। इफ अ डायनासोर वर अलाइव आई थिंक सर, इफ दे फाइंड द एग ऑफ अ डायनासोर, आई डोंट नो, दैट इज साइंस फिक्शन। ऐसे तो आई कैन से एनीथिंग कुड बी अलाइव। All right, but they can't. But that is science fiction. That is what science fiction is. That's why तो बहुत सारी picture बनती हैं, उनमें से कुछ भी true हो सकता है. All right, so this the last scientific part of our discussion would be how black holes die. So that is called as Hawking radiation. We can't discuss it right now. मतलब if you meet me and you are grown ups, so I'll try to explain you Hawking radiation. But what we can discuss is how long do black holes live. So, ये सोचना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको बता दूं ब्लैक होल्स की एज, तो फिर आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। कोई भी इंसान उतना ज्यादा टाइम इमेजिन नहीं कर सकता, है ना। अर्णव कह रहा था कि ब्लैक होल्स जैसे एक्सप्लोड कर जाते हैं, ब्लैक होल्स वुड एक्सप्लोड, दैट इज नॉट द सिनेरियो। हाउ ब्लैक होल्स डाई इज डिफरेंट। सो ब्लैक होल्स डाई मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो इफ द बिगेस्ट ब्लैक होल्स इन आवर यूनिवर्स डाई आफ्टर 10^100 ईयर्स, सो दैट इज 1 and 100 जीरोज आफ्टर इट। So our lifetime is not even 100 years. Black hole's lifetime is 1 and 100 zeros after it. Even if you try to write this on a paper, on a paper, you won't be able to understand how huge a time scale that is. So I can't even write it on the laptop, but my screen would be really short for that. It's 1 and 100, so many zeros. So that is huge lifetimes of a black hole. I don't think 100 zeros. So, मतलब 100 zeros अगर मैं billion में भी describe करने लगूँगा, तो ऐसे बहुत सारे trillion आ जाएंगे. So that is practically impossible to discuss the lifetime of black hole. Alright. So black holes live huge long lifetimes. We can practically consider them immortal. मतलब they are actually not immortal. They are dying bit by bit per second. But they have such huge lifetimes. We can't even see the death of a black hole. I don't think humans will be around for that. All right, so we discussed everything. Sir. Yes, sir. It's like a tornado inside a black hole. If we How go do inside. You know? How do you know? Sir.
Nobody knows what's inside a black hole. I saw in a YouTube video. Arnav, nobody knows what's inside a black hole. Only somebody who has been in the black hole can tell you what it's like there inside a black hole. Nobody can come alive out of a black hole. So I don't think anybody can guess. We can only guess what's inside a black hole. We can't know for sure. That's our next discussion. So what would be inside a black hole and what would happen if you fall into one? So this is purely science fiction. इसके बाद से हम जो भी discuss करेंगे वो सिर्फ सोच है, ऐसा कुछ prove नहीं हुआ अभी तक, है ना? कि जैसे हमने उस time discuss करा था कि universe कैसे die करेगा, ऐसा कुछ अभी prove नहीं हुआ है, मतलब universe आखिर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ black hole बचेंगे, अभी तक तो ऐसे ही लगता है, पर अब ये भी एक science fiction है कि अगर आप black hole के अंदर चलेगा तो क्या होगा? जैसे अब हमने समझो कि किसी astronaut को हमने mission पे भेजा था, पर उसके साथ बड़ा बुरा हो गया, वो black hole के अंदर गिर गया, तो अब उसके साथ क्या होगा? What would happen if you go into a black hole? अब इसके बाद सिर्फ science fiction है, इसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप किसी और universe में भी जा सकते हो। Sir? हाँ जी। If a black hole falls into a black hole, what will happen? A black hole doesn't fall into a black hole. If a black hole comes near another black hole, they collide. That's called as a black hole collision. So, अगर जैसे एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल के आसपास आया तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे अट्रैक्ट करके एकदम से अंदर कोलाइड कर जाएंगे और वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा. दे वोंट, मतलब वन ब्लैक होल वोंट फॉल इनटू अनदर वन, दे विल कोलाइड. से दिस ब्लैक होल कम्स नियर दिस ब्लैक होल, दे कोलाइड इनटू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ बिगर ब्लैक होल मर्जिंग. सो दे मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ बिगर ब्लैक होल. राइट, सो अभी वी आर डिस्कसिंग व्हाट वुड हैपन इफ यू गो इनटू अ ब्लैक होल. राइट, सो दिस इज ऑल, मतलब सब सोच है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम सिर्फ हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है. इट विल बिकम अ मैसिव ब्लैक होल. हां यस अर्नव, दैट्स व्हाट आई सेड. ऑलराइट, सो अर्नव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड हैपन इफ यू फॉल इनटू अ ब्लैक होल? हाउ वुड यू डाई और हाउ वेयर वुड यू एंड अप? सर, यस, आई विल बिकम अ नूडल, इट लीड मी, देन आई विल गो समवेयर वेयर आई डोंट नो. Yeah, that's what we're here to discuss. Okay, Herman, any guesses to what would happen inside a black hole, or where will you end up if you fall into a black hole? Agar aap black hole, I'm already scared of ghosts and I don't want to ever go into a black hole. I don't think ghosts will be there in the black hole. There are better beautiful places in the universe to be. No ghost I think would roam in a black hole. It's too scary for a It's a dark inside it. I don't want to go inside. No. How? मतलब it's not, मतलब कुछ भी हो सकता है. You can say that it there will be all the light. जो star उसके अंदर जा रहा है उसकी light भी तो हो सकती है वहाँ पे. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अंदर dark ही होगा. अंदर जो जैसे जो star आपके साथ गिर रहा है, star का material भी तो अंदर जा रहा है, तो उसकी light भी तो हो सकती है वहाँ पे. जरूरी थोड़ी है कि डार्क हो. अभी हमें पता नहीं है कुछ पे, है ना? तो और मतलब ब्लैक होल इज टू स्केरी फॉर इवन अ घोस्ट. सर, बट आई डोंट हैव फ्रेंड्स टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, एवरीथिंग. हां चलो, अब वो अलग बात है. ब्लैक होल में आप लोग मर ही जाओगे, फिर ऐसे एक दो सेकंड में तो मर जाओगे. फुटबॉल क्रिकेट क्या खेलना है आपने दो सेकंड में? चलो, नहीं क्या पता, अगर जैसे अर्नव इमेजिन दिस सिनेरियो, इफ यू फॉल इनटू अ ब्लैक होल, You go into another universe. आप एक parallel universe में चले जाते हो. जैसे आप अपने हमारे universe को छोड़के एक दूसरे universe में चले गए और उस universe में सब लोग सिर्फ cricket खेलते हैं. फिर आपको कैसा लगेगा? Yeah, I also join them to play. है ना? तो वही तो. पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप black hole में गिर गए और आप ऐसे किसी universe में चले गए जहाँ पे कोई cricket नहीं खेलता. फिर आप क्या करोगे? I'll go and play something else. Yes, Nandika. I was also thinking that I might end up in a parallel universe. Yeah, that's a good possibility that you might end up. Black holes can be gateways to other universes as well. Or there is also another possibility that two black holes might be joined together. जैसे समझो कि आप हमारी गैलेक्सी वाले किसी ब्लैक होल में गए और आप किसी दूसरी गैलेक्सी के ब्लैक होल में से वापस आ गए. वरना और भी बेटर सोचो कि अगर आप किसी दूसरी गैलेक्सी के ब्लैक होल में गए और आप हमारी वाले में वापस आ गए, जो साइंटिस्ट एकदम से हमारा वाला ब्लैक होल देख रहा होगा उसे एकदम से ऐसे आप एकदम से बाहर आते दिखोगे कि डर जाएगा वो तो. Sir, then it might be a magical black hole.
मैजिकल नहीं, अरे ब्लैक होल मैजिकल ही है. अभी हमारे को जो लगता है हमारे लिए ब्लैक होल मैजिकल नहीं है, हमें साइंटिस्ट को भी इतना कुछ नहीं पता ब्लैक होल के आगे. उन्हें अभी तक ब्लैक होल की मिस्ट्री अच्छे से सॉल्व नहीं हुई है, हमारी साइंस फेल हो जाती है ब्लैक होल के अंदर जाके. सो जो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी होती है, जो बिल्कुल ब्लैक होल का सेंटर होता है, वहां पर जाके हमारी जो साइंस ब्रेक डाउन हो जाती है, हमारे लॉस काम करना बंद हो जाते हैं. तो अभी के लिए हमारे लिए ब्लैक होल मैजिकल ही है, हम अभी तक डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि ब्लैक होल कैसे बनता है. जैसे हम बता सकते हैं कि गाड़ी क्यों चलती है, हम बता सकते हैं कि अर्थ सन के अबाउट रोटेट क्यों, रिवॉल्व क्यों करती है, पर हम ये नहीं बता सकते कि ब्लैक होल के सेंटर पे क्या है. तो अभी हमारे लिए ब्लैक होल मैजिकल ही है, सारे ब्लैक होल मैजिकल ही होते हैं. राइट. सो नंदिका, इट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट मतलब यू कैन एंड अप इन अ पैरेलल यूनिवर्स. सो मल्टीवर्स एक पॉसिबिलिटी होती है हमारे यूनिवर्स की, जो क्वांटम थ्योरी प्रेडिक्ट करती है. सो मल्टीवर्स, तो आप किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हो, और उस यूनिवर्स में जाके कुछ भी हो सकता है. वरना ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ ब्लैक होल के अंदर चले जाओ और फिर आप पिचक जाओ There ब्लैक is होल के like साइड में. if I go into a black hole, then I go into another area, and the name is Chocolate Ray Black Universe. ना कुछ भी हो सकता है, आप वहां जाके आप इतनी गर्म जगह में जा सकते हो कि आप फ्राई हो जाओ, और कुछ भी हो सकता है आप सब ब्लैक होल में जाके. एनीथिंग यू कैन इमेजिन इज पॉसिबल. सो अभी वी डोंट नो एनीथिंग व्हाट वुड हैपन इनटू ब्लैक होल. यू माइट जस्ट डाई इफ यू गो इनसाइड इट. देयर माइट बी नो गेटवे और नो ग्रेट प्लेसेस और नो यूनिवर्स. यू माइट जस्ट डाई. सो दैट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी फॉर थिंकिंग. नंदिका, व्हाट्स योर डाउट? I was saying that I might end up in a wormhole or might discover a white hole and something like that. Yeah. That's really good, Nandika. That's a good possibility that black holes might be wormholes or matlab, portals to other places in the universe, or a black hole might be connected to another white hole. Yeah, that's a good possibility. Great, Nandika. All right. So if you have any other doubts, I think we're done for the day. I'll just thank you for joining in, and I hope you all learned something.